फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशिफल 2018 के बारे में। इस वीडियो में हम मेष राशि के लिए साल 2018 कैसा जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, उस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, राशिफल जानने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात वो ये कि जो राशिफल होते हैं वो सामान्य स्तर पर होते हैं। चाहे आप मेरे वीडियो देखें, चाहे कहीं और देखें, कहीं और सुने, कहीं और पढ़ें, जो राशिफल होते हैं वो बेहद सामान्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में, पर्टिकुलर अपने बारे में जानकारी सटीक चाहिए, तो आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना पड़ेगा। उसके लिए कुंडली में ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, सूक्ष्म कुंडलियां, लग्न कुंडली, नक्षत्र, गोचर, इन सभी की गणना करके आपको आपके खुद के बारे में सटीक जानकारी बताई जाती है। लेकिन जो राशिफल होते हैं ये जानना आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि इस वर्ष आपके लिए ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों, राशिफल जानना इसलिए ज़रूरी है। अगली बात दोस्तों ये कि जो राशिफल होते हैं, शास्त्रों के अनुसार राशिफल चंद्र राशि के आधार पर बताने चाहिए। चंद्र राशि, जो चंद्र राशि, चंद्र कुंडली होती है, उसके आधार पर राशिफल बताने चाहिए। ग्रहों के गोचर चंद्र कुंडली के आधार पर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर शास्त्रोक्त बात करेंगे, शास्त्रों के अनुसार बात करेंगे और सही राशिफल जानने की कोशिश करेंगे, जो कि चंद्र राशि पर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेष राशि के लिए साल 2018 अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम मेष राशि की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। दोस्तों, मेष राशि की आर्थिक स्थिति की यदि बात की जाए, साल 2018 के लिए बात की जाए, तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आपको धन की कमी तो महसूस नहीं होगी। इवन यदि आप म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट में, मार्केट की जहाँ जोखिम होती है वहाँ पर यदि इन्वेस्ट करना चाहे, शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट करना चाहे, तो वो भी आपके लिए लाभप्रद साबित होता इस वर्ष नज़र आ रहा है। यदि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, इन सब चीज़ों को बनाना या खरीदना चाहते हैं, तो साल 2018 उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है और आपके लिए साल 2018 बहुत शुभ भी साबित होगा। तो आप ये सब काम कर भी सकते हैं और इन सब चीज़ों से आपको संतुष्टि होगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि नौकरी व्यवसाय की बात की जाए, तो नौकरी व्यवसाय में भी आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी उन्नति के योग तो ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन स्थानांतरण के योग भी बने हुए हैं, ट्रांसफर के योग भी बने हुए हैं। यदि आप ट्रांसफर नहीं चाहते तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो, लेकिन हाँ, उन्नति के योग जरूर आपके नौकरी में बने हुए हैं। व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय में भी उन्नति के योग आपके बने हुए हैं। चाहे आप किसी भी तरह का व्यवसाय करते हो, कोई सा भी व्यवसाय करते हो, उन्नति के योग, सफलताओं के योग जरूर यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये मैंने बात की साल 2018 के शुरुआती और मध्यम समय की, लेकिन यदि आखिरी समय की बात की जाए, जैसा कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात की जाए, तो यहाँ पर ज़रूर आपको आपके नौकरी या फिर व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर महसूस हो सकती है। वो हो सकता है आपको मानसिक तनाव हो सकता है आप स्थानांतरण नहीं चाहते हो, आपको स्थानांतरण मिल रहा हो सकता है कि व्यवसाय में भी किसी न किसी तरह से धन आपका रुक जाए, अटक जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ये समस्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ज़रूर यहाँ पर बनती नज़र आती है। लेकिन पूरे साल को यदि हम कैलकुलेट करें, तो पूरे साल के नज़रिए से यहाँ पर आपके लिए नौकरी और व्यवसाय का जो समय है बहुत अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक स्थिति की बात की जाए दोस्तों, तो पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। हो सकता है कि आप साल 2018 में कहीं बाहर घूमने जाने के बारे में सोचें, अपने पूरी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने के बारे में सोचें और यात्रा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न भी होगी और आपके परिवार के लिए खुशनुमा माहौल यहाँ पर बनता मुझे नज़र आ रहा है। यदि पारिवारिक कोई विवाद है, पुराना कोई पारिवारिक आपका विवाद है, तो वो भी मुझे यहाँ पर सुलझता नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि पति पत्नी में भी जो विवाद यहाँ पर होते हैं, या संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंता यदि आपकी है या पहले थी, तो वो भी यहाँ पर मुझे सुलझती नजर आ रही है। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति की यदि बात की जाए, तो पारिवारिक स्थिति के लिए तो साल 2018 आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। दोस्तों, यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, तो हाँ,
स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरह का मानसिक तनाव जरूर महसूस हो। मानसिक तनाव में आप रह सकते हैं, टेंशन में आप रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मनोरोग, जिसे हम मनोरोग कहते हैं, मानसिक तनाव, एंजाइटी या इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय तो बहुत अच्छा है। हाँ, आपके मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा टेंशन ना पालें, नहीं तो शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के यहाँ पर मुझे योग या चिंताएँ नजर आती है। यदि दोस्तों आप शिक्षा में हैं, यदि आप स्टूडेंट, यदि आप छात्र हैं, तो आपके लिए जो ये साल 2018 का समय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। यदि मैं अप्रैल से जून तक की बात करूं, साल 2018 के माह अप्रैल से माह जून तक की बात करूं, तब तो विशेषतः आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में साल 2018 बहुत अच्छा जाएगा। यदि आप हायर स्टडी में हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो आप साल 2018 का भरपूर उपयोग करें, भरपूर उपयोग करें, आपके लिए साल 2018 बहुत अच्छा है, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो। तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम बात करें, आपके ओवरऑल यदि धन को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, नौकरी व्यवसाय को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी ओवरऑल यदि बात की जाए, तो आपके लिए जो साल 2018 बहुत अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां साल 2018 के लिए, इसे इंजॉय कीजिए। दोस्तों इसी तरह यदि आप और दूसरे भी राशिफल जानना चाहते हैं, ये तो सिर्फ मेष राशि की बात हुई, यदि इसी तरह आप साल 2018 के लिए वृषभ से लेकर मीन राशि तक के राशिफल जानना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सारी राशियों के राशिफल मिल जाएंगे। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।